Morning students, today we will be doing session 3, Natural Resources Conservation of Unit 5, Green Skills. It's given on page number A189. Session 3, Natural Resource Conservation says कि हम अपने नेचर को कि जो नेचर की रिसोर्सेज हैं उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं. कंजर्व मींस कैसे बचा सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गिविंग द इंट्रोडक्शन. दिस इज यू नो ऑलरेडी एंड हैव रीड इन अर्लियर सेशंस टू हाउ इम्पॉर्टेंट द नेचुरल एनवायरनमेंट इज फॉर ऑल ऑफ अस. कह रहे हैं कि हम पहले 2 सेशन में पढ़ चुके हैं, जैसे कि आपको पता है कि हमने पढ़ा है ना कि नेचर हमारे लिए एज ए गिफ्ट है ना. इट्स हमें ना जाने अनगिनत गिफ्ट्स ये दे रहा है जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं. हमारी लाइफ ही इस पे निर्भर है. बट ये कहते हैं कि हम लोग इसको बचा नहीं रहे हैं, इसको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डे बाय डे. कहते हैं यू हैव आल्सो रीड हाउ इग्नोरेंट वी ऑल आर टूवर्ड्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स इट. इग्नोरेंट मीन्स इग्नोर करना है ना, जानते हुए भी उस चीज़ को मायने ना देना है ना. हमें पता है कि नेचर इन्वायरमेंट को हम खुद ही खराब कर रहे हैं, लेकिन हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं ले रहे, जिम्मेदारी ही नहीं ले रहे उसको बचाने के लिए. लेकिन अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट होने वाला है, हम पर ही होने वाला है. तो कहते हैं कि हमें अवेयर होना चाहिए ऑफ हाउ आवर एक्शंस आर इम्पैक्टिंग द एनवायरनमेंट. इम्पैक्टिंग मींस कैसे प्रभाव डाल रहे हैं हमारे एक्शंस किसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर. एनवायरनमेंट क्या होता है, हमारी सराउंडिंग्स जिसमें हम रह रहे हैं. तो कहते हैं डैट इट इज very much essential that we should be responsible to save and conserve our natural environment. Responsibility means हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अपने नेचर को, नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना, सेव करना और कंजर्व करना, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए इसको बचा कर रखना. अब किस तरह हम बचा सकते हैं उसको और अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को सेव करके. ठीक है, दे हैव गिवन, दे हैव डिस्कस्ड वी कैन सी इन दिस सेशन रिगार्डिंग हाउ टू कंजर्व, कैसे हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. ठीक है, रिसोर्सेज मीन्स जो चीज़ हमें उपलब्ध हो रही है, किससे, नेचर से, कुदरत से. The environment affects us in all spheres of life. और जो हमारा environment है हर life के हर हिस्से में हमारे affect करता है. The way we live, हम कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, in the way we grow vegetables, कैसे उगा रहे हैं vegetables, fruits को, grains को, है ना, जैसे ये चावल हो गए आपके, बाजरा हो गए, मेज़, ये सब ग्रीन्स में आ जाता है. हम इनको कैसे खाते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे ईट कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, द वे वी कंज्यूम, हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं और किस तरह हम स्पेंड करते हैं एनर्जी इनको ग्रो वगैरह करने के लिए. वी आल्सो अफेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट बाय आवर एक्शंस इन ऑल स्फीयर ऑफ लाइफ. और हमारी हर एक्शन से इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. तो कहते हैं हमें ऐसे काम करने हैं जिससे नेचर के ऊपर अच्छा अफेक्ट पड़े, वो कंजर्व रहे, सेव रहे, नष्ट ना हो. इन द प्रीवियस सेशन वी हैव रेड हाउ एक्शन इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, कि हमारे एक्शन कैसे अफेक्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट के, इन्वायरमेंट पर. लेकिन हम इसमें हम सीखेंगे हाउ टू कंजर्व इट. हमें अपनी रिकॉग्नाइज करनी है, पहचान करनी है किसकी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, स्टाइल ऑफ लिविंग, हम कैसे खा रहे हैं या कैसे चीज़ों को ग्रो कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा है किसके ऊपर, नेचर के ऊपर. कहते हैं हम कैसे सेव और कंजर्व कर सकते हैं अपना इन्वायरमेंट, रिड्यूस, कम करके, किसको, कार्बन फुटप्रिंट को. अभी कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है बेटा, इट इज़ अ मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग
डिटरमाइन मीन्स पता करना, किसका मेजर करना, किसका पता करना, द ये एक हम कह सकते हैं एक की फैक्टर है नापने का, किस चीज़ को नापने का, कि पता लगाना कि द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में कितनी जा रही है, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस, अदर ग्रीन हाउसेस गैसेस हो जाती हैं जैसे मिथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, तो पता करना कि कितनी इन्वायरमेंट में हमारी डेली एक्टिविटी में वो रिलीज हो रही हैं, इमिट हो रही हैं, ठीक है। अब दूसरा एक्शन क्या है, सॉइल को कंजर्व करना, अपनी मिट्टी को बचाना, एनर्जी को कंजर्व करना, ठीक है, जैसे सोलर एनर्जीज हो गई हमारी, है ना, डिफरेंट टाइप वाटर एनर्जी हो गई, तो और हमें क्या कैसे हम बचा सकते हैं, 3R यूज़ करके, 3R मीन्स जो चीज़ रिड्यूस करना जो हमारे उन इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करती है, जो अफेक्ट करती है उनको दोबारा से यूज़ करने की कोशिश करो और उनको रिसाइकल करो कि हम उनको दोबारा से हम यूज़ कर सकें। पानी को बचाना, नष्ट ना हो बिना मतलब, हमारे जो फॉरेस्ट है हमारे लिए गहने की तरह वर्क कर रहे हैं, हमने उनको बचाना है। अब इनके बारे में बारी बारी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये लोग डिस्कस कर रहे हैं आपकी बुक में रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, मीन्स हमने मेजरमेंट जो इन्वायरमेंट में कार्बन की है या ग्रीन हाउस गैसेस की है उनको हमने क्या करना है, कम करना है, क्योंकि वो जो हैं ग्रीन हाउस गैसेस हैं हमारे इन्वायरमेंट पे अफेक्ट डालती हैं। सो कार्बन फुट, लेट्स रिपीट द थिंग, अ कार्बन फुटप्रिंट मेजर्ड इन टर्न्स इज अ मेजर ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ CO2, CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज एज अ रिजल्ट ऑफ डेली एक्टिविटीज। और वो डेली एक्टिविटीज़ कैसे हैं, हम कार को यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशनर्स को यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ खा रहे हैं, जैसे मीट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, ठीक है, इससे भी क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बढ़ रहा है, कैसे, क्योंकि जैसे बीफ है ब्राज़ील से आती है, ठीक है, लैम है न्यूजीलैंड से आता है, अब जनरली तब उसको वहाँ से लाने के लिए भी क्या ट्रांसपोर्ट यूज़ हो रहा है, ट्रांसपोर्ट में क्या है वो इमिट करते हैं इस तरह की गैसेस जो हार्मफुल हैं, किसके लिए, इन्वायरमेंट के लिए, इन्वायरमेंट नष्ट कर रही है, इट मीन्स हम नष्ट हो रहे हैं। सो वी हैव टू मिनिमाइज द कार्बन फुटप्रिंट, कैसे, बाय रिड्यूसिंग, या उन एक्टिविटीज़ को हमने छोड़ना है जिससे हमारे इन्वायरमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और हमने क्या कोशिश करना है कि हमने जो हमारी मेज़र है कार्बन फुटप्रिंट की, कार्बन फुटप्रिंट क्या मेज़र करता है कि कितना अमाउंट है कार्बन डाइऑक्साइड या अदर ग्रीन हाउस गैसेस का जो इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करती हैं, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, रिड्यूस करने की कोशिश करना है अपनी डेली एक्टिविटीज़ से जो बढ़ाती हैं किसको, कार्बन फुटप्रिंट्स को। ओके, नाउ वी विल शिफ्ट टू द न्यू पेज, दैट इज़ योर A190। ओके, अब इसमें कह रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कंजप्शन मीन्स हम कितना उसको कंज्यूम कर रहे हैं, किसको, बिजली को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है बेटा वो भी कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ाती है, प्रोड्यूस करती है ज़्यादा, तो इट मीन्स हमें इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम यूज़ करना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं यूज़ करने में, क्या मेजर्स ले सकते हैं, अगर लाइट्स या इलेक्ट्रिक अप्लायंस यूज़ में नहीं हैं तो उनको टर्न ऑफ कर दो जब ज़रूरत ही नहीं है, बाहर दिन के टाइम काफ़ी रोशनी बाहर से आ रही है तो हमें लाइट ऑन करने की क्या ज़रूरत है, आप छोटे छोटे मेजर्स ले सकते हो। मान लो हम रूम में बैठे हैं, फ़ैन चल रहा है गर्मियों में, हम दूसरे रूम में जा रहे हैं तो इट इज़ बेटर कि हम स्विच ऑफ कर दें उस रूम का फ़ैन, इज़ इट श्योर नॉट। तो इस तरह छोटी छोटी एक्टिविटी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखो हमें यूज़ तो करनी ही पड़ेगी, है ना, ये हमारी नेसेसिटीज़ हैं, लेकिन हम मेज़र्स ले सकते हैं कि हम उनको कैसे उनका कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं। रिप्लेस ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स, ट्रेडिशनल मीन जो हम पहले यूज़ कर सकते थे, विद इनर्जी इफ़िशेंट LEDs एंड अदर alternatives। हमें जो लाइट बल्ब्स ट्रेडिशनल होते थे उनकी जगह हमें क्या यूज़ करना चाहिए, LEDs यूज़ करनी चाहिए आजकल की। क्यों, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स हैं वो पहली बात है इनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और जो इमिट करते हैं लाइट गैसेस वो भी खतरनाक होती हैं, तो और ये LEDs बहुत ही कम इनके कंपैरेटिव में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और देखो इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने में
काफ़ी कुछ रिसोर्सेज की यूज होता है हमारा, है ना, इट्स नॉट ईजी। तो वो जो रिसोर्सेज हैं, कई उनमें से नॉन रिन्यूएबल भी होती हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो जल्दी से नहीं बनते हैं, तो देखो उनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, वो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो इट मीन्स हम नेचर के साथ, अब वो हमें मिलेंगे नहीं, है ना, नेचुरल रिन्यूएबल नहीं है, टाइम लग रहा है उसको बनाने में, दोबारा से फर्निश होने में। तो हम एक दिन क्या होगा, हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और फिर मीन्स हम पे ही इम्पैक्ट होने वाला है उस चीज़ का। तो इट मीन्स वी शुड ट्राई टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल लाइट बल्ब्स, रिप्लेस ओल्ड अप्लाइंसेस विद न्यू एनर्जी इफिशियंट अप्लाइंस। इस तरह के अप्लाइंस यूज़ करो जो नए वाले हैं, क्योंकि पुरानों में टेक्नोलॉजी कुछ और थी, अब नए क्या है, डे बाय डे इम्प्रूव हो रहे हैं, वो लेस एनर्जी कंजम्पशन कर रहे हैं। तो हमें पुरानों को छोड़ के नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने चाहिए, ऐसे अप्लाइंस यूज़ करने चाहिए जो न्यू टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। एंड जो हम रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कंजम्पशन रिजल्ट इन अ डिक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस नेचुरली, ठीक है। जब हम रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, क्योंकि ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं अगर, तो उससे क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा इमिट होती हैं। लेकिन अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटीज को यूज़ करना, तो इट मीन्स क्या होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी डिक्रीज होगा। ई पॉइंट में कहते हैं अपग्रेड विंडोज एंड हाउस इंसुलेशन, ठीक है। इंसुलेशन क्या होता है, आर पार होना। तो कहते हैं आप अपने घर में विंडोज या डोर्स या इस तरह का इंसुलेशन बनाओ कि जल्दी से हवा आर पार ना हो सके, या कोई भी टेम्परेचर चेंज ना आ सके जल्दी से रूम्स के अंदर। अब जैसे विंटर है, हम लोग अपने रूम को गर्म रखने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हीटर्स वगैरह यूज़ करते हैं, इज़ इट्स और नॉट। और गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एयर कंडीशनर्स या फैंस। और अगर इंसुलेशन कम है तो क्या होगा, टेम्परेचर इतनी जल्दी रूम का चेंज नहीं होगा। अब हमें एयर कंडीशनर ज़्यादा चलाने की, अब एक बार ठंडा कर लिया उसके बाद बंद कर दो, जरूर थोड़ा हमने चलाते ही रहना है, और वो तभी गर्म नहीं होगा, हमारा रूम ठंडा रहेगा अगर वो हवा उसकी बाहर नहीं जा पा रही है। अगर बाहर जा पा रही है तो नेचुरली क्या होगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा और हमें एयर कंडीशन लगातार चलाना पड़ेगा, इज इट्स ऑर नॉट। तो हमें अपग्रेड करना चाहिए किसको, अपने विंडोज़ एंड हाउस इंसुलेशन को। ऑप्ट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ऐसे जो भी हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, अब देखो कि उनके पीछे किस चीज़ को, उसको बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है। ऐसे सोर्सेज होने चाहिए जो रिन्यूएबल हों, क्योंकि वो हमें जल्दी से मिल जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हम लोग नहीं जल्दी से ले पाते। सो इफ़ पॉसिबल गो फॉर सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मीन्स जो सन से बन रही है, ऑल्टरनेटिव मीन्स किसके जगह पे, जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से बन रही है। फिर कहते हैं जो आपका सेकंड पॉइंट है, हाउ टू प्रिजर्व द नेचर, कैसे, ग्रीनर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके। वो क्या, हम लोग ट्रांसपोर्ट क्या यूज़ करते हैं, किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना, व्हीकल्स वाला, यही तो होता है ट्रांसपोर्ट। लेकिन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट तो हमें यूज़ करना ही पड़ेगा जब, अब देखो टेक्नोलॉजी हो गई है, इंडस्ट्री हो गई है, तो अब चीज़ रॉ सोर्सेज वगैरह को इधर से एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी या नहीं। तो कहते हैं मोर यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मोर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस गैसेज। अगर हम ट्रांसपोर्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज भी ज़्यादा रिलीज होंगी। तो कहते हैं ठीक है, अब इसको हम ये तो नहीं कह सकते कि हम ना यूज़ करें, ये तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम कोशिश करें कि हम ट्रांसपोर्टेशन को कम से कम यूज़ कर पाए, ठीक है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज कम हो और अफेक्ट नेचर को कम करें। इट मींस वी हैव टू टेक सम मेजर्स। वो कौन से हैं, नंबर वन, फाइंड वेज टू यूज लेस ट्रांसपोर्ट, तरीके ढूंढो जिससे हम ट्रांसपोर्ट को कम यूज़ करें। जैसे नियर बाय कहीं जाना है, पास में जाना है, तो वॉकिंग डिस्टेंस है तो वॉकिंग करके जाओ ना, लेग्स राब ने भगवान ने दे रखा है हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए या मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हमें अपने फुट पे जाना चाहिए, ठीक है, या मैकेनिकल रिक्शास का यूज़ करना चाहिए। एंड यूज़ ग्रीन फ्यूल इन व्हीकल्स। अब देखो सीएनजी गैसेस है ना, वो कम ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, तो हमें इस तरह के व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट ना करें। ट्राई रिड्यूसिंग एयर ट्रेवल,
एयर ट्रैवल भी क्या करती है, रिलीज़ करती है, इमिट करती है ग्रीन हाउस गैसेस, उनको भी कम यूज़ करना चाहिए। उसके कंपैरेटिव में हमें क्या यूज़ करनी चाहिए, ट्रेन या बसेस इन कंपैरेटिव टू एयर ट्रैवल्स। रिड्यूस द व्हीकल, अब देखो कहीं जाना है, चार बंदे वहीं जा रहे हैं एक ही जगह से, तो चार व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर बेटर नहीं होगा कि हम उसकी जगह पे एक व्हीकल ले जाएं, एक कार ले जाएं इंस्टेड ऑफ फोर कार्स, तो क्या होगा, लेस कंजम्पशन होगी ना हमारी ट्रांसपोर्ट की, व्हीकल्स की, तो वो क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस भी कम रिलीज होंगी। अल्टीमेटली अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट का अफेक्ट किस पे पड़ता है, हम पे, है ना, तो वो हेल्दियर रहेगा हमारे लिए। तो यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मीन्स जिसमें सब इकट्ठे जा सकें, इन प्लेस ऑफ यूजिंग ओन कार एज योर कारपूल्स वेन एवर पॉसिबल। ईट लोकल सीजनल एंड ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कहते हैं कोशिश करो कि हम इस तरह का खाना खाएं जो हमें इजिली यहीं पे मिल रहा है। क्यों, इफ़ यू ऑल स्टार्ट कंज्यूमिंग लोकल सीजनल प्रोड्यूस, लेस डिमांड विल रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ शिपिंग। क्योंकि हम दूर से मंगवाते हैं तो हमें क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, शिपिंग, जैसे अभी मैं मीट की बात कर रही थी, है ना, बीफ की, लैम की, न्यूजीलैंड से आ रहा है, ब्राज़ील से आ रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए, और अगर हमारे पास ही है तो हमें इस तरह की चीज़ों को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, है ना। हमें ऐसे व्हीकल्स मीन्स अगर हम लोकली सीजनल फूड वगैरह खा रहे हैं तो हमें शिपिंग वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। जब शिपिंग कम जरूरत पड़ेगी हम कह सकते हैं, तो इट मीन्स इट विल रिड्यूस द ग्रीन हाउस अफेक्ट। अब चेंज ईटिंग हैबिट्स ना, थर्ड पॉइंट जो दे रखे हैं, वही कह रहे हैं कि मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन डाइट। इन इंडिया नियरली 70% ऑफ द पॉपुलेशन कंज्यूम नॉन वेजिटेरियन डाइट। However, do you know the meat production sector is the biggest contributor to greenhouse gas emission? कहते हैं जो मीट प्रोड्यूस करता है सेक्टर, वो क्या है, ज़्यादातर वो क्या इमिट करता है, गैस, ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करता है, तो इट इज़ बेटर कम कर दो, इन प्लेस ऑफ मीट आप ग्रीन लीव्स वेजिटेबल लो, है ना, कंपेरेटिव टू इट। ये इन्होंने ग्राफ भी दिखा रखा है, इम्पैक्ट ऑन ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन बाई चेंजिंग द मीट हीटिंग हैबिट्स। ठीक है, अगर हम करते हैं तो हमारी, अगर हम मीट को खाना बंद करते हैं तो कहते हैं हमारा ग्राफ भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, किसका, ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करने का। ओके, थैंक यू, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।